अभी अभी नींद से उठी हूँ, मेरा फेस भी देख कर समझ सकते हैं। बहुत दिन से बोल रही थी मैं बाबू तुम्हारा दाढ़ी को काट लो, बहुत चुभता है फेस पे। तो फाइनली वो आज बोला चलो आज चाय पीते पीते दाढ़ी काट दूँगी, दाढ़ी बोलते हैं ना आप बोल। और मैंने ट्राइपॉड लगाया इसका, दाढ़ी जब काटूँगी कैमरा को फिट करूँगी मैं किस तरह से काटती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। इसके पास बेंग वाली बांग्ला बोलते हैं चलो पास बेल आइकनटा टीपे दाम। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने कर चुके हो तो थैंक यू मेरे लिए, ठीक है। चलो ये चावल का डब्बा है, रूम पे ही रखती हूँ सब कुछ, बर्तन चावल का डब्बा सब कुछ रूम पे रखती हूँ। किचन तो देखा है आपने कितना बड़ा है सामान रखने का जगह। बिस्कुट तो भालो ना थे तो इसका दाढ़ी में से काटा नहीं जा रहा है, मुझे डर भी लगता है काटने से क्योंकि इस तरफ अगर कट हो जाए तब उलझ गया है, रेजर में बाल उलझ गया है। अभी सुबह का बज रहे हैं 10:20। अच्छा नहीं लग रहा है आज, कहीं पे घूमने जा नहीं सकती, सिर्फ मायके के सिवा, मायके जाती हूँ और तुरंत आ जाती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं पे घूमने जाने का मन है मुझे, वैसे मतलब घूमना नहीं ट्रेन में नहीं, हम लोग को यहाँ पर ना बहुत अच्छा अच्छा रोड है जहाँ पर आप रील्स वीडियो बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ये है, उधर भी लेके नहीं जाता। मेरा बैग बहुत मेसी है, देखिए मेसी है इन द सेंस कुशन इधर उधर पड़ा हुआ है, सोकर उठी हूँ ना इसलिए। बहुत गर्मी था कल रात, इतना गर्मी कि बताओ, नीचे फैन टेबल फैन लगाया था, फिर मॉस्किटो जो नेट होता है वो लगा कर सोई थी, बाप रे बहुत गर्मी था। रात में सोते सोते 2-1 बज जाते हैं मुझे, हाय गर्मी।
इतना गर्मी हेयर खोल नहीं पा रही हूँ, और अगर हेयर को सिक्योर करके रख रही हूँ ना, पूरा अंदर अंदर पूरा भीग जा रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया, और हेयर से कैसे उतना स्मेल नहीं आ रहा था, लेकिन कल ना बहुत स्मेल आ रहा था। फिर रात में जाकर मैंने फिर से शैम्पू किया, अगर हेयर से स्मेल आता है कैसा लगता है ना, पसीना पसीना कैसा स्मेल आ रहा था। तो मैंने राइस चढ़ा दिया है, दाल भी दे दिया है आपके साथ, तो शेयर कर लिया। और ये है आमड़ा फ्रेंड, इसे काट कर बॉयल होने के लिए रख दिया है, ये भी बॉयल हो जाएगा। आज मैं बनाऊँगी आमड़ा दे का दाल राइस, और कल का चिकन है वो मैं अलग से रख दिया था, चिकन बनाऊंगी। कल रात को भी चिकन खाया था, आज भी चिकन खाऊंगी, उसे बनाना पड़ेगा। और चिकन क्या शेयर करूँ आप सबसे, नहा के आ गई हूँ और मेरा लंच बन चुका है, लेकिन सुमित अभी कुछ बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, आज कुछ अलग चिकन बना रहे हैं। मैं रेसिपी शेयर कर पाती, लेकिन मैं नहाने गई थी तो रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। और वो जब चिकन बनाते हैं ना, बहुत यम्मी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हो बहुत अच्छा लगता है, कोई बना कर खिलाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ, ये चिकन चाप जो ना क्या बोलते हैं ना, मुँह में पानी आ रहा है, चिकन चाप जो होता है उसी तरह से बनाया है, मटन चाप चाप ना चाप जो बोलते हैं उस तरह से बनाया है। चलिए एक लुक दिखा, इसमें चिकन है, कैप्सिकम है, क्या क्या मसाला डाला है बाबू बाद में बोलोगे, ठीक है दे दिया पीछे कौन गुलो दो मदर ही बोला था कौन गुलो, ये कड़ा गुलो ना कड़ा गुलो इखाने रेखे देबे ना मसाला पाते ज्यादा नहीं जा नहीं जा होए गए तो ठीक है। चलो ये फैन इतना शोर करता है ना, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, वीडियो जब एडिट करती हूँ तो ऐसे तूफान जैसा आवाज आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलो वो बना लिया है और मैंने बनाया, चलो दिखाती हूँ। ये देखिए आमड़ा देकर दाल बनाया मैंने और चिकन, सुमित को चिकन के साथ दाल खाना पसंद है। चलो क्या बोल रहे थे सुमित, देखो ढुकी रेखे दीजिए और बोलो, तक बोल ने एक काम को बहुत दो बार तीन बार कराते, मैंने तब बोला बाबू नींबू लगेगा, बोला नहीं, अब फिर से बोला नींबू दो, रुको मैं देके आती हूँ। मुझे चिकन में कैप्सिकम बहुत पसंद है, बहुत मस्त बना है। नाइस, चलो खा लेते हैं फिर आते हैं। अलमीरा का क्या हासिल है देखिए, बैठ कर देखिए सब मेसी होकर रखा हुआ है। अलमीरा सेट कर रही थी क्योंकि बहुत दिन से मेसी होकर था, तो मैंने सोचा चलो आज फाइनली मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। और सुमित का भी बहुत दिन से शिकायत था कि तुम अलमीरा को मुझे अरेंज करके नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए सुमित का ये सेल्फ हो जाएगा अब से। तो फटाफट से चलो मैं अलमीरा को सेट कर लेती हूँ, मेरा हाल थोड़ा सा बुरा है क्योंकि आई का जो काजल है, आँखों का काजल पूरा नीचे आ गया है, फेस वॉश करना भी बाकी है, पसीना आ रहा है, नहाना भी बाकी है, 6:30 बजने वाले हैं, तो फटाफट से मैं ये काम ख़त्म करके फिर नहाने जाऊँगी। फ्रेंड अभी इवनिंग का टाइम है, इवनिंग में हम खा रहे हैं मैगी, तो सुमित बोला बाबू मुझे मैगी बना दो, तो इसीलिए फटाफट से मैंने मैगी बना लिया है। और अभी तक मैं नहाने नहीं जा पाई हूँ क्योंकि उसको भूख लगा था इसीलिए, तो ये खाने के बाद फिर मैं नहा धोकर थोड़ा सा तैयार होकर रेस्ट लूँगी। सुबह से ब्लॉगिंग कर रही थी, सुबह से काम कर रही थी, इतना बिजी थी कि क्या बताऊँ। तो चलो फ्रेंड मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।